हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मेजर्स ऑफ वेरिएशन स्टैटिस्टिक्स का पार्ट टू वीडियो। इसके पहले हमने मेजर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका यूजेज, वो क्यों ज़रूरी है, वो पढ़ने वो सब बातें, और लास्ट में हमने बात की थी कि मेजर ऑफ वेरिएशन में क्या क्या मेजर करते हैं, उसकी हमने पूरी लिस्ट दी थी। तो उस लिस्ट में से आज हम दो टॉपिक करने वाले हैं, वो है रेंज विथ इट्स एप्लीकेशन एंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। ये दो चीज़ पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएशन की लिस्ट में से। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसके पहले हमने मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी के रिलेटेड पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर किए। तो उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकअप कीजिएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी पार्ट वन की भी, मेजर्स ऑफ वेरिएशन की और उस प्लेलिस्ट की। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला टॉपिक है मेजर्स ऑफ वेरिएशन का रेंज। वेरिएशन को मेजर करने के लिए रेंज का इस्तेमाल करते हैं। रेंज इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडीइंग वेरिएशन। वेरिएशन को स्टडी करने के लिए रेंज जो है सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एक स्मॉल वैल्यू होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, कोई लार्जेस्ट वैल्यू होगा। उन दोनों का अगर डिफरेंस ले लें, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कर दे, तो आपको रेंज, उस डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज मिल जाएगी। बस यही है, बहुत इजी है। सिंबॉलिकली रेंज इज इक्वल्स टू एल माइनस एस, एल इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू एंड एस द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। द रिलेटिव मेजर करस्पॉन्डिंग टू रेंज कॉल्ड द कोफिशियंट ऑफ रेंज इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। हमने रेंज क्या है, एल माइनस एच है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। हम कोफिशियंट ऑफ रेंज भी फाइंड करते हैं, जो हम रिलेटिव मेजर भी बोलते हैं उसको, रेंज के रिलेटेड रिलेटिव मेजर या कोफिशियंट ऑफ रेंज। और उसकी फॉर्मूला कुछ नहीं है, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। तो ये हमारा कोफिशियंट रेंज और रेंज की फॉर्मूला हो गए। इसको एग्जांपल से हम क्लियर कर लेते हैं, बहुत इजी है। द फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे के रिलेटेड कंपनी के शेयर के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो हमको दिया हुआ है। पहले दिन 200 है, फिर 210 है, फिर 208 है, 160, वो 220, 250। तो ये फ्लक्चुएशन है जो मंडे टू सैटरडे हुआ शेयर के प्राइस में कंपनी के, हमको रेंज फाइंड करना है। रेंज क्या हो गया हमारा, कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट रेंज। तो पहले रेंज फाइंड करते हैं, तो पहले उसके पहले हमको क्या चाहिए, एल चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन का लार्जेस्ट वैल्यू होगा। तो आप देख पा रहे इसमें लार्जेस्ट वैल्यू है 250, तो वो लिख लेते हैं। एस हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है 160, तो एस हो गया हमारा 160। और ये रुपीज़ में है, ये दिया है यहाँ पे रुपीज़ में। तो हमारा रेंज क्या होगा, हमारा रेंज होगा एल माइनस एस विच इज़ इक्वल्स टू 250 माइनस 160 विच इज़ इक्वल्स टू 0, 1, 15 और 6, मतलब 90। तो हमारा रेंज क्या है, ₹90। अब हमको कोफिशिएंट रेंज भी फाइंड करना है, वो कुछ नहीं है, एल पता है, एस पता है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज सी ओ आर बोल लेता हूँ उसको, शॉर्ट फॉर्म में आप पूरा लिखेगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो होगा हमारा एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस विच इज़ इक्वल्स टू, अब एल माइनस एस हमारा होगा 90, हमने ऊपर फाइंड ही किया, और एल प्लस एस होगा 250 प्लस 160 विच इज़ इक्वल्स टू 90 अपॉन 0, 6 और 5, 11, 3 और 4, मतलब 410। 0 0 कट 9 अपॉन 41, फाइंड कर लेते हैं। आप 9 अपॉन 41 भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, या उसको डेसिमल कन्वर्ट करके भी आप लिख सकते हैं, वो होगा 0.219। तो ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज। यूजेज ऑफ रेंज देख लेते हैं कि रेंज का तीन एप्लीकेशन है, क्वालिटी कंट्रोल। रेंज जो होता है उस हम क्यों फाइंड करते हैं भाई, कि क्वालिटी कंट्रोल, उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज़ टू कीप चेक ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट 100% इंस्पेक्शन। मतलब मुझे सारे प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन नहीं किए, फिर भी वो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हेन स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर यूज्ड, कंट्रोल चार्ट्स आर प्रिपेयर्ड एंड इन प्रिपरेशन दिस चार्ट रेंज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए अब हम हर प्रोडक्ट को तो चेक करने नहीं जाएंगे, हज़ारों में प्रोडक्शन हो रहा है, हज़ारों टन में, तो क्या होता है कि उसके लिए एक चार्ट बनता है। उस चार्ट को बनाने के लिए, उस प्रोडक्शन चार्ट को बनाने के लिए रेंज का इस्तेमाल होता है। तो वो एक रोल अदा करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि रेंज से क्वालिटी कंट्रोल हो जाता है,
पर रेंज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी कंट्रोल के जो मेथड्स है उसमें। दूसरा है हमारा फ्लक्चुएशन इन द शेयर प्राइस। तो हमने अभी एग्जांपल देखा शेयर प्राइस का, अभी मंडे टू सैटरडे जो फ्लक्चुएशन है उसमें हमने रेंज पाएंगी, तो वो एग्जांपल से क्लियर ही आपको। वेदर फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर फोरकास्ट हमारी डेली ज़िंदगी में हम देखते भाई मैक्सिमम टेम्परेचर ये रहा, मिनिमम टेम्परेचर ये रहा, तो रेंज क्या हो मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर। तो वेदर फोरकास्ट में और जो हमारी एजेंसीज है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो सब, उन सब ये रेंज का डेटा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत उनको फोरकास्टिंग में और जो हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था उस दोनों में ये रेंज बहुत यूज़ होता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ रेंज हो गया। नोट, इसमें आप देख लेंगे दो सीरीज़ आप ध्यान से देखेंगे, दो डिस्ट्रीब्यूशन है, सीरीज़ है सीरीज़ भी। इसमें आप रेंज फाइंड करेंगे तो हम इसमें देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 5, लार्जेस्ट वैल्यू है क्या 15, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 5, लार्जेस्ट वैल्यू 15, तो हमारा रेंज तो 15-5 मतलब 10 हो गया। रेंज सेम है पर आप डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखें, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में अंदर बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, 5 है फिर 10 है फिर 6 है फिर 3 है प्लस 2 है फिर 15 है, पर इस डिस्ट्रीब्यूशन में देखो 5 है फिर 10 है फिर 13 है फिर 15 15 15, मतलब इन दोनों सीरीज में रेंज सेम है पर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही फ्लक्चुएशन बहुत है। तो रेंज का ये एक लिमिटेशन बोल सकते हैं। क्या है लिमिटेशन कि रेंज इज सेम दैट डज नॉट मीन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन आर अलाइक। रेंज सेम होने से ये नहीं बोल सकते कि भाई दो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है या अलाइक है, वो रेंज का एक लिमिटेशन है कि रेंज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसमें जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो सब हो रहा है वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। तो यही पे हमारा ये दूसरा टॉपिक आता है, वो है इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। हमेशा ये चीज़ आ रही है, कोई नई चीज़ आ रही है, कोई नई मेथड आ रही है तो पुरानी मेथड में कुछ तो कमी होगी या कुछ तो वो होगा जो वो नहीं कर पा रहा होगा, इसके लिए हमको नई मेथड लानी पड़ती है। तो यही इसमें हो रहा है कि रेंज जो है उसकी यूजेज आपने देखी, बहुत यूजेज है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करता है, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरनल फ्लक्चुएशन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, इसलिए हमने अब नई मेथड जनरेट की, वो है इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। क्या है हम देखते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है वो थर्ड क्वार्टाइल हम बोलेंगे Q3 और फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, उन दोनों को डिफरेंस का बताता है। इंटरक्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 - Q1। रेंज क्या था कि L - S, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, पर इंटरक्वार्टाइल रेंज में चेंज आ रहा है, वो क्या है कि Q3 - Q1। अब Q3 - Q1 को अच्छे से समझना है तो आपको मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, उसमें हमने ये टॉपिक को कवर किया है, परसेंटाइज डेसाइल्स परसेंटाइज एंड क्वार्टाइल्स वो सबको कवर किया है, तो आप वो देख सकते हैं। तो Q3 - Q1 जो है हमारा जो लिमिटेशन था रेंज का उसको थोड़ी जो हमारे अंदर ही अंदर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो Q3 हमारा 75% के आसपास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये पूरा आप देख लो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है समझ लो। तो Q3 यहाँ पे, ये Q2 है मीडियन हमारा और ये Q1 है यहाँ पे, तो इसकी बात हो रही है, और माइनस Q1 मतलब इसकी बात हो रही है, मतलब जो अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अंदर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये इंटरक्वार्टाइल रेंज को जनरेट किया या ईजाद किया, ये इस मेथड को जनरेट किया, क्योंकि रेंज में आपने देखा कि वो अंदर अंदर जो फ्लक्चुएशन और डिस्ट्रीब्यूशन को उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाता, इसलिए ये हमारा नई मेथड आई है इंटरक्वार्टाइल रेंज विच इज़ Q3 - Q1। वेरी ऑफन द इंटरक्वार्टाइल रेंज इज रिड्यूस टू अ फॉर्म ऑफ सेमाई इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन बाय डिवाइडिंग इट बाय 2। जैसे ही आप इंटरक्वार्टाइल रेंज Q3 - Q1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा, जिसको हम अदर में सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज और QD की फॉर्मूला हो गई, मतलब क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन गिव्स द एवरेज अमाउंट बाय विच 2 क्वार्टाइल्स डिफर फ्रॉम द मीडियन। जो हमारा मीडियन है बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, बीच की जो वैल्यू है हमारा मीडियन है। तो क्वार्टाइल डेविएशन गिव्स द एवरेज अमाउंट बाय विच द 2 क्वार्टाइल्स डिफर फ्रॉम द मीडियन, मतलब हमारा जो Q3 है और जो Q1 है वो मीडियन से कैसे डिफर हो रहा है, मीडियन से उनकी क्या डिफरेंस है, क्या वेरिएशन आ रहा है, वो हमारा दिखाता है क्वार्टाइल डेविएशन।
आप देख ही सकते हैं कि मीडियन माइनस Q1 करूँगा या Q3 माइनस मीडियन करूँगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ये मीडियन माइनस Q1 करूँगा, ये Q3 माइनस, ये दोनों सेम रहेगा, तो आप देख ही सकते हैं। और उसको और डिटेल में समझना है तो मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स के रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया है मेजर सेंट्रल टेंडेंसी प्ले लिस्ट में, तो आप ज़रूर जाके उसको चेकआउट करिएगा, तो और आपको ये क्लियर हो जाएगा। व्हेन क्वार्टाइल डेविएशन इज़ वेरी स्मॉल, इट डिस्क्राइब्स हाई यूनिफॉर्मिटी और स्मॉल वेरिएशन ऑफ द सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, इस डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है उस इस भाग को कवर करता है Q1 से लेके Q3 तक, जिसमें मीडियन भी आ जाता है। तो ये हमारा डेटा का 50% ऑब्जर्वेशन हुआ। तो अगर क्वार्टाइल डेविएशन जो है स्मॉल है या हाई यूनिफॉर्मिटी है, या स्मॉल वेरिएशन बहुत स्मॉल हो रहा है मीडियन से, या उसमें यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा, दोनों एक ही बात हो। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेमनेस, मतलब एक जैसा, हम उसमें बहुत यूनिफॉर्म, हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनता है ना, यूनिफॉर्म का मीनिंग है कि एक जैसा। तो यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है या वेरिएशन कम है ऑफ द सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन, ये जो सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन है क्वार्टाइल डेविएशन उसकी बात करता है। अगर उसमें स्मॉल हाई यूनिफॉर्मिटी है या स्मॉल वेरिएशन है तो वो दिखाएगा भाई बीच के 50% ऑब्जर्वेशन में बहुत कम वेरिएशन हो रहा है। या एन हाई क्वार्टाइल डेविएशन मीन्स दैट द वेरिएशन अमंग द सेंट्रल ऑब्जर्वेशन इज लार्ज। और जो हमारे बीच के 50% ऑब्जर्वेशन है, जब क्वार्टाइल डेविएशन ज़्यादा होगा तो उसमें उन बीच के 50% ऑब्जर्वेशन में वेरिएशन भी ज़्यादा होगा। आप इसको और अच्छे से समझने के लिए ये वाला एग्जांपल ही ले लीजिए। ये हमारे बीच के 50% समझ लो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का 50% है। इन दोनों में कंपैरिजन करो, इसमें हमारा वेरी हाई वेरिएशन है, इस भाग में हमारा वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और इस भाग में हमारा वेरिएशन कम है। देखो पहले 10 है, फिर 13 है, फिर 15 है, 15 है, तो इसमें हमारा वेरिएशन बहुत कम है या यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा है, इसमें हमारा वेरिएशन बहुत ज़्यादा है या यूनिफॉर्मिटी कम है, बीच के 50% के ऑब्जर्वेशन की बात करूँ तो यही बात हो रही है। क्वार्टाइल डेविएशन एग्जैक्टली यही बताता है हमको। तो हमारे, मैंने बोला था ना, जो हमारा रेंज की जो लिमिटेशन है उसको कवर अप करने के लिए ये हमने नई मेथड बनाई, वो है क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ QD बोल सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन शॉर्ट फॉर्म, वो है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, कुछ नहीं है, Q3 Q1 फाइंड करो। और आपने इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड किया है या क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड किया है तो उसमें बस आपको प्लस ही करना है ज़्यादा और डिवाइड कर देना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ, जैसे रेंज था ये कोफिशिएंट ऑफ QD हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ QD कैन बी यूज टू कंपेयर डिग्री ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बहुत सारे हमको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं तो कोफिशिएंट, क्योंकि हम हर डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ QD फाइंड करेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक दूसरे से कितना डिफर कर रहे हैं, कितना डिग्री कंपेयर करेंगे कि भाई इसमें वेरिएशन इतना है, इसमें वेरिएशन इतना है, इसमें डिग्री ऑफ वेरिएशन इतना है इस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम कंपेयर करने के लिए हमको बहुत यूज़ होता है भाई, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन, डिग्री ऑफ वेरिएशन क्या है वो हम कोफिशिएंट ऑफ QD से फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्वार्टाइल डेविएशन और इंटरक्वार्टाइल रेंज समझने के लिए हमें एग्जांपल कर लेते हैं जिससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। सो एग्जांपल ऐसा है कि यू आर गिवन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 292 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज वीकली वेजेस। 292 वर्कर्स का ऑफ अ फैक्ट्री के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है अकॉर्डिंग टू देयर वेजेस, मतलब उनके पगार कैसे है वो सब, उसके लिए द कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमको क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। तो ये हमारा पूरा टेबल है, वीकली वेजेस, हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स, ये टोटल क्या होगा 292, ये ही है यहाँ पे टोटल, ये है 292। तो बिलो 13,500 जो पगार वो कितने वर्कर्स है, तो 8 है। फिर 13,500 से 14,000 के लिए 16 वर्कर है, ऐसे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ। और हमको फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब क्या फाइंड करना होगा, पहले हमको क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमको चाहिए होगा Q1 एंड Q3, ये दोनों मिल जाएगा तो क्वार्टाइल डेविएशन भी हमको मिल जाएगा। तो Q1 की फॉर्मूला क्या है हम देख लेते हैं, Q1 की फॉर्मूला देख लेते हैं। Q1 क्या होगा हमारा, Q1 इज इक्वल्स टू
lower limit of the Q1 class plus n by 4 minus preceding cumulative frequency divided by frequency of the class into class length I. ये हमारा Q1 की फॉर्मूला है. तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा. तो पहले तो हमको Q1 क्लास फाइंड करना पड़ेगा. Q1 क्या कैसे मिलेगा हमको, n by 4 से मिलेगा. मतलब n by 4 तो ऑब्जर्वेशन, उसके पहले तो एक काम रह गया, हमने CF नहीं फाइंड किया. तो पहला तो काम क्या होगा Q1 Q3 फाइंड करने के लिए, CF हमको चाहिए होगा. तो CF फाइंड कर लेते हैं पहले, फिर बाद में सारे काम करेंगे. तो 8 यहाँ पे 8 के 80 आ जाएगा. फिर 8 प्लस 16 मतलब हमारा 24 आ जाएगा. वैसे फिर आएगा हमारा 24 प्लस 39 तो हमारा होगा 63. फिर 121, फिर 181, फिर होगा हमारा 221, फिर हमारा होगा 243 to 58, फिर हो जाएगा हमारा 273, 282 और हमारा 10 मतलब 292. मतलब हमारा टोटल ये, अगर ये 292 आ गया मतलब हमारा जो CF का टेबल है वो करेक्ट है, क्योंकि हमारा CF का जो आखिरी वैल्यू होगा वो क्या है, F ही है. तो F इज इक्वल टू 292 ये हमको गिवन है. तो हमने फाइंड कर लिया, इसमें कुछ नहीं करना है. यहाँ का 8 का 8 लिख लेना है और फिर क्रॉस में हमको ऐड करते जाना है. ये आपको पता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ. तो n बाई 4 हमारा होगा 292 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 73rd ऑब्जर्वेशन. और 73rd ऑब्जर्वेशन मतलब हमको 73 से थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए होगा CF के टेबल में. तो ये होगा 121 होगा. तो ये हमारा Q1 क्लास हो जाएगा, ये वाला, ये हमारा होगा Q1 क्लास. तो ये हमारा होगा फ्रीक्वेंसी और ये होगा हमारा प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो सारी के सारी वैल्यूज़ मिल गई है हमको. लोअर लिमिट क्या है हमारी Q1 क्लास की, वो है 14,500. तो Q1 क्या होगा हमारा, Q1 इज इक्वल्स टू 14,500 प्लस हमारा n बाई 4 है 73 माइनस प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा 63, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास वो है 58, तो 58 इंटू क्लास लेंथ है हमारा 500. हमारा Q1 क्या होगा 14,500 प्लस, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 86.207. तो हमारा Q1 हो जाएगा 14,586.207 रुपीस, ये हमारा हो जाएगा Q1. अब ऐसे हम Q3 फाइंड कर लेंगे. Q3 की फॉर्मूला क्या होगी कि L तो रहेगा लोअर लिमिट प्लस, अब n बाई 4 के बदले Q3 है इसलिए 3n/4 आ जाएगा माइनस वो तो वो हिसाब रहेगा इनटू I. तो हमारा पहला काम है 3n/4 फाइंड करना. तो हो जाएगा 3 × 292/4 विच इज़ इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 219th ऑब्जर्वेशन. और 219 से थोड़ा बड़ी वैल्यू मतलब 221 मतलब ये हमारा हो जाएगा Q3 क्लास, ये वाला Q3 क्लास. ये हमारा Q3 का फ्रीक्वेंसी और ये प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो लिख लेते हैं सारी वैल्यू. तो लोअर लिमिट है हमारी 15,500. तो Q3 इज इक्वल्स टू 15,500 हमारा Q3 क्लास का लोअर लिमिट प्लस 3n/4 मतलब 219 माइनस प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 181, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास है 40 इंटू 500. तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर है हमारा 15,975. सो हमारी Q3 की वैल्यू है 15,975, Q1 की वैल्यू है 14,586.207. तो अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं हमको क्वार्टर डेविएशन फाइंड करना है, सॉरी. तो QD लिख लेते हैं सीधा. तो हमारा क्वार्टर डेविएशन होगा Q3 माइनस Q1
डिवाइडेड बाई टू, तो Q3 है हमारा 15,975, Q1 हमारा है 14,586.207 डिवाइडेड बाई टू, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,975 माइनस 14,586.207 डिवाइडेड बाई टू, मतलब हमारा आंसर होगा 694.4। ये हमारा आंसर होगा क्वार्टाइल डेविएशन का। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा वही देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होगा हमारा Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, तो इसका आंसर होगा हमारा 13,138। Q3 माइनस Q1 तो अभी हमने फाइंड किया, वो होगा 1388.793 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 होगा हमारा 30,561.207, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 0.045। ये हमारा क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। सो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।